वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फ्लो रेट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई एम्स दे रहे हो, GNCS दे रहे हो, जिपमर दे रहे हो, DSSB, RRB, ESIC, रेलवे, कोई भी आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और आपको जब भी आप कोई भी पेपर देने जाओ तो उससे पहले ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो चलिए फ्लो रेट का क्वेश्चन देखते हैं और इसकी कंसेप्ट देखते हैं। पहली बात, आपको इसके लिए कुछ बातों का पता होना चाहिए। क्या क्या बातों का ध्यान रखना? फ्लूड जो भी आप लोगे अमाउंट, फ्लूड को हमेशा ML में लोगे, ML। ठीक है, फ्लूड को आप ML में लोगे। अगर पेपर में लीटर में लिखा हो या मिलीलीटर में लिखा हो, आपको लेना मिलीलीटर में ही होगा। ठीक है, ML मतलब मिलीलीटर। ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर वर्ड यूज करता है एक एग्जामिनर बहुत ज्यादा। ड्रॉप फैक्टर का मतलब है एक ड्रॉप के अंदर, एक ML के अंदर कितनी ड्रॉप बनेगी, एक ML के अंदर कितनी ड्रॉप बनेगी, उसको आप क्या बोलते हो? ड्रॉप फैक्टर बोलते हो। ठीक है, GTT, स्मॉल GTT जो है वो एब्रीवेशन है किसकी? ड्रॉप की, पेपर में आती है, ये भी ध्यान रखना है। ये जो ड्रॉप फैक्टर, या तो डायरेक्ट एग्जामिनर इसकी वैल्यू देगा कि ड्रॉप फैक्टर 15 है, 10 है, 12 है, 20 है, जो भी है। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू नहीं देता, अभी तक जितने भी मैंने पेपर देखे हैं उन सभी में ड्रॉप फैक्टर की वैल्यू एग्जामिनर ने दी है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि वो एग्जामिनर ड्रॉप फैक्टर की वैल्यू ही ना दे, तब आपको देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप फैक्टर कौन सा है। अगर ये माइक्रो ड्रिप है, बच्चों का सेट है, पीडिया सेट से बच्चों के लिए यूज होता है, 100 ML की बोतल में डाल के फिर जो ड्रॉप्स निकलती हैं उनकी बात हो रही है, तो ये 16 ड्रॉप पर ML में आएंगी। 16 ड्रॉप पर ML माइक्रो ड्रिप की बात हो रही है। पीडिया बच्चों के लिए यूज करते हैं ये। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज ड्रॉप निकलेंगी, बड़ी ड्रॉप अगर 1 ML में बनाओगे तो कम निकलेंगी, छोटी ड्रॉप बनाओगे तो ज्यादा निकल जाएंगी। तो छोटी ड्रॉप के लिए होता है ये पीडियाट्रिक सेट, जिसमें 100 ML बुरेट्स भी बोलते हैं इसको, 100 ML का चैम्बर होता है, और यहाँ से जो ड्रॉप्स निकलेंगे वो छोटी ड्रॉप्स निकलेंगी, और ये छोटी ड्रॉप्स 1 ML में ज्यादा बनेगी, ये बनेगी 60, और ये है 16, एक जैसे साउंड है, 60 16 याद हो जाती है। वैसे आप 15 भी मान सकते हो, इसको 10 भी मान सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, लेकिन सबसे जो ज्यादा सटीक आंसर होगा वो 16 के हिसाब से होगा। माइक्रो ड्रिप है, छोटी ड्रिप्स, वो बनेगी 60 और ये बनेगी 16। मैक्रो ड्रिप की बात करें, जो आप नॉर्मल IV सेट यूज करते हो, आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल जो IV सेट्स होते हैं, आपको फोटो दिखा के, ऐसी फोटो दिखा के एग्जामिनर पूछे कि ये इसमें ड्रॉप फैक्टर कितना है, तो ये एक मैक्रो ड्रॉप है। ठीक है, मैक्रो ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी ड्रॉप निकलती है इसमें, थोड़ी है ना, नॉर्मल से बड़ी निकलती है। कितनी बड़ी? ये बड़ी है, एक ड्रॉप 1 ML के अंदर 16 ड्रॉप के आसपास बनती है। ठीक है, 16 ड्रॉप के आसपास, तो इसके नियर बाई आंसर जो भी होगा वो आप सही मानोगे। और आपको देखना होता है कितने टाइम में इस फ्लूड को इंजेक्ट करना है, देना होता है, एडमिनिस्टर्ड करना है, तो वहां पे जो भी आपका टाइम होगा आपको टाइम को हमेशा मिनट में रखना है। एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम इस मैक्सिमम बार इस टाइम को आवर में लिखता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास आवर में रीडिंग होगी आप बिल्कुल भी ना भूलें, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालें। मैथ के क्वेश्चंस का एक बहुत बढ़िया फायदा भी होता है और एक नुकसान भी है। मैथ के क्वेश्चंस में अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हो तो एग्जामिनर उन सिली मिस्टेक्स के भी ऑप्शन रखता है ऑप्शंस में, क्वेश्चंस के ऑप्शन में। तो मान लो आपने छोटी सी गलती की कि आपने टाइम को आवर में ले लिया मिनट की जगह, तो आवर में निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी एग्जामिनर देगा और मिनट्स के आधार पे भी एग्जामिनर देगा, दोनों तरीके से देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी रहता है, और एक अच्छी बात भी है, मैथ के जो आंसर होते हैं बिल्कुल सटीक होते हैं, बिल्कुल फिक्स ही होते हैं, 21 ही आएगा, 21 तो 20 है तो 20 ही आएगा। तो अगर आपका इसके नियर बाई कोई आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको टिक करके आंसर सही कर सकते हो। जब तक आपका आंसर सही नहीं निकलेगा, जब तक आपको पता रहेगा कि मेरे को क्वेश्चन टिक करना है नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग को कम करता है। लेकिन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। मुश्किल नहीं है, बस समझने की है कि कैसे समझ रहे हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला उसमें फिक्स करके रख सकते हो,
लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करता है एग्जामिनर, कुछ चीजों में वो चेंज करेगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आंसर हम किस तरीके से उसको मेंशन करेंगे। जैसे वो टाइम लिख दे आवर में, तो आपको मिनट में निकालना पड़ेगा। वैसे तो वो ड्रॉ फैक्टर देता है लिख के, अगर ड्रॉ फैक्टर नहीं दे तो क्या करोगे, एक ये बात याद रखनी है। तो फिर अगर वो माइक्रो ड्रॉप बोले, तो 60 ड्रॉप, माइक्रो मतलब छोटा, छोटी ड्रॉप 1 ml में ज्यादा बनेगी, बड़ी ड्रॉप 1 ml में कम बनेगी, ठीक है। मैक्रो ड्रॉप सेट ये होता है, माइक्रो ड्रिप ये होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी बता दिया मैंने, ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है, 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स होंगी, नंबर ऑफ ड्रॉप इन 1 ml। जो भी आपका फ्लूड अगर लीटर में दिया होता है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से गुना कर देना, ठीक है भाई। ये बातें आपको याद रखनी है पेपर में, जब भी आप फ्लो रेट के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। चलिए, जितने भी एग्जाम्स हुए, मैंने जितने भी एग्जाम देखे, ज्यादातर सब में इसका क्वेश्चन हमेशा ही आया है, और आगे भी उम्मीद करता हूं हमेशा ही आएगा। तो आप किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, किसी भी फ्यूचर के लिए नर्सिंग एग्जाम दोगे आप, उसमें पक्का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वो इसका पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्लो रेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें यही एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ए पेशेंट इज रिसीविंग 100 ml IV फ्लूड ओवर 6 आवर, ठीक है। 6 घंटे में पेशेंट को 1000 ml फ्लूड देना है। ड्रॉप फैक्टर इज 10, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर इसने पहले ही दे दिया, 10 ड्रॉप पर ml, ठीक है। तो 10 ड्रॉप पर ml है, तो आप समझ सकते हो ये मैक्रो ड्रॉप है। हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी डिलीवर, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं भाई, फ्लो रेट्स के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर एग्जामिनर ये बात लिख रहा है कि हाउ मैनी ड्रॉप पर मिनट, अगर वो सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा है ड्रॉप पर मिनट, तभी आप इस फॉर्मूले को फिट करोगे। अगर आप नॉलेज नहीं रखते ज्यादा मैथ की, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको क्या पूछा गया है। अगर पूछा गया है ड्रॉप पर मिनट, तो आप सही जगह हैं, आप सही क्वेश्चंस कर रहे हो। यही फॉर्मूला लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ, 100 ml और ओवर 6 आवर। ये चलिए फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला ये है, जब भी आप ड्रिप रेट निकालोगे, ड्रॉप पर मिनट निकालोगे, जितना भी आपका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को पहले मल्टीप्लाई करोगे ड्रॉप फैक्टर से, ठीक है। पहले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे ड्रॉप फैक्टर से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे टाइम से। टाइम को हमेशा मिनट में लेना है, देखो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्वेश्चन आसान है। गड़बड़ कहाँ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर बच्चे जो सिली मिस्टेक्स इसमें करते हैं, वो फॉर्मूला सबको याद होता है, कैलकुलेट भी कर देते हैं, कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, धीरे धीरे देखेंगे। एक बार पहले देखो कि ड्रॉप रेट पर मिनट निकालने के लिए आपको जितना भी आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूड है, फ्लूड की बात हो रही है यहाँ पे, फ्लूड को ml में लेना है। ml में लिया 100 1000 ml, ठीक है। 1000 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ड्रॉप फैक्टर से। ड्रॉप फैक्टर कितना है हमारा, 10 लिखा हुआ है। ड्रॉप फैक्टर की पहचान क्या है, ड्रॉप फैक्टर की पहचान है, इसके पीछे लिखा होगा ड्रॉप पर ml, ठीक है। ये भी याद रखना, ड्रॉप फैक्टर की पहचान क्या है, ड्रॉप फैक्टर की पहचान है, इसके पीछे लिखा होगा ड्रॉप पर ml, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। और अगर ये ड्रॉप फैक्टर एग्जामिनर नहीं देगा, तो वो लिखेगा या तो ये ड्रॉप मैक्रो ड्रॉप है या ये माइक्रो ड्रॉप है। तो मैक्रो ड्रॉप होगा तो 16 लोगे, और माइक्रो होगा तो 60, तो 16 60 एक जैसे साउंड है, दोनों की याद हो जाता है इजिली। थोड़ी बहुत वैल्यू कम ज्यादा भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिलहाल 100 ml फ्लूड को, 100 ml को 100 से 100 को सॉरी 1000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, ये होगा 10000, और उसको डिवाइड करना है टाइम से। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर। आवर मैंने बोला था ना कि टाइम को ज्यादातर कंडीशंस में वो आवर में ही देता है। आपको क्या करना होगा, इस टाइम को आवर को कन्वर्ट करके मिनट में करना है, और टाइम को कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से। तो आप 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 6 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 360। कितना आएगा, 360। तो 100 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 into 60, 360। और 10000 को जब आप 360 से डिवाइड करोगे, तो आंसर होगा 27.7, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन नहीं देता 27.7, या तो वो 28 देगा या 27 देगा।
और कभी कभी ऑप्शन इतने दूर दे देता है कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होता है ना। तो जैसे ऐसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, तो नियर बाय जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। आंसर होगा 27.7 के आधार पे, ये होगा बी। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ होती है, सारी चीजें सही चल रही है, आपको फॉर्मूला याद है, आपने पुट सही किया, सारी चीज सीख गई। जब आप इस 10,000 को डिवाइड करते हो 360 से, तो पहले आप एक बार डिवाइड करोगे, तो पहले हाफ करते सब, तो ये आएगा 500। ठीक है, और ये यहाँ से आ गया 16 का 180। ठीक है, फिर आप एक बार और इसे कट करोगे, फिर आप एक बार और हाफ कर दोगे इसका, ये 500 का आएगा 2500, और इसका 180 का आएगा 90। ठीक है, फिर आप इसका एक बार और हाफ करोगे, ऐसे आप इसे दो से डिवाइड करते हो बार बार, और एक सिली सबसे इजीएस्ट जो भी होगा वो आप इजीएस्ट इसको कर लोगे, तो इसको करोगे तो 1250, 1250, और यहाँ से 90 का आधा होता है 45। ठीक है, ऐसा आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आप इसे 5 से कट करोगे, और जो भी आप इसे कट कट करते रहोगे, और बार बार आप जब इसे कट करोगे तो आपके पास एक लास्ट में आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसी को बता देता हूँ आपको, ठीक है, अब 1250 का भी आधा कर दो तो ये होएगा 6, 4, और आधा नहीं, सॉरी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, 2 5 5 जा 55, और 0, और ये डिवाइड होगा, और 5 9 जा 45। ठीक है, लास्ट में कुछ ऐसा आंसर आएगा, अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, जो मैं बात सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो, कैलकुलेशन आसान है, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर से करके मैंने आंसर निकाला हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मिस्टेक कहाँ करोगे, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट आ गया, ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, सारी चीजें सही हो गई, एग्जामिन साफ सारी क्वेश्चन में हर चीज को ठीक करते जा रहे हो डिवाइड वगैरह से, लास्ट में जो ये डिवाइडेशन आया है यहाँ पे गड़बड़ हुई है भाई। यहाँ पे जब आप इस 9 को इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर गलत ले रहे हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो ही कंसेप्ट लगे, लेकिन आप जब 9 को डिवाइड करते हो, 9 को जब आप डिवाइड करोगे 250 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आने वाला है यहां पे, ठीक है, उस आंसर को जैसे मान के चलो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, तो ये 2 आ गया जैसे 18, और ऐसे कट के जो भी आपका आंसर आए, मान लो 2 जा 18, जो भी इसका मान के चलो ये 27 आएगा, ये तो 27 आ रहा है वैसे। ठीक है, तो ऐसा आंसर आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक, एक बार आप जरूर मेरे कहने से एक चीज एक्स्ट्रा कर लेना, इसलिए ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, नहीं तो इसकी एक पीडीएफ अवेलेबल करा देता, आप आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूला समझा देता आपको, सिर्फ कराने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इस टाइम पे आके, इस डिवीजन के टाइम पे आके बच्चों से गलती हुई है, जो मैंने प्रैक्टिकली भी देखी है और मैंने खुद भी देखा है कि मेरे भी एक दो क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक हुई है। हालांकि मैंने कैलकुलेशन नोट की तो पता चला कि ये गलत निकाला है, गलती का कारण क्या है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर ये आना चाहिए आपका, जब भी आप आंसर निकालो, 27.7 है इसका आंसर, ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले से ही, इस 27.7 को एक बार मेरे कहने से, एक बार सिर्फ मेरे कहने से आपको छोटा सा काम करना है, इस 27 को इस 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 250 ही आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 250 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, जहां पे वो डेसिमल का पंगा रहता है, तो डेसिमल के बाद एक जीरो जीरो लगानी होती है पहले, फिर डेसिमल लगता है, हम मैथ की कैलकुलेशन भूल चुके हैं या कुछ कम कंसेप्ट याद है, तो पहले हम डेसिमल लगाते हैं फिर जीरो लगाते हैं, उस चक्कर में हम यहाँ पे आंसर, तो मान लो आंसर तो होगा आपका 20.5, और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर होगा 2.505, 2.05। ठीक है,
आपको डेसिमल कहाँ लगाना है वो कंफ्यूजन हो जाता है। आप सोचते हैं पहले डेसिमल आएगा फिर वो वैल्यू आएगी, उसके आधार पे आप डिवीजन करोगे, लेकिन एक्चुअल पहले जीरो उतरेगा, जीरो रखा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर डेसिमल आएगा, फिर भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता। तो ये बेसिक जो कन्फ्यूजन है यहाँ से देखने को मिला है, और मैंने इसी चीज़ को आपको समझा दिया, यही चीज़ समझने की थी, बाकी चीज़ें क्लियर है। इसके लिए ये गलती ना हो, ये डेसिमल की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप छोटा सा एक काम कर लो, बस इतनी सी बात याद रखो, जब भी आप लास्ट डिवीजन करके काट पीट के जो भी लास्ट आप आंसर निकालना चाह रहे हो, जैसे ऐसा आ गया बिल्कुल लास्ट, अब इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे जो भी आपका आंसर आएगा, उस आंसर को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेना, करने के बाद यही आंसर आ रहा है तो आपका ये आंसर सही है, अगर ये नहीं आ रहा तो आंसर गलत है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये वैसे तो होना चाहिए 20.5, अगर ये 2.5 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर गलत आएगा, और ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस में हमने ये कंसेप्ट देखने को मिले हैं, और वहां से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए कि सर मेरा तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा आंसर, लेकिन आंसर 21 था, 20 पॉइंट कुछ था, है ना। तो वो आप डेसिमल्स को, जीरो को कहाँ रखना, डेसिमल को पहले रखना बाद में रखना, वहां इन चीजों का कंफ्यूजन होता है। और आप तो बायो के बच्चे हैं तो मैथ की थोड़ी नॉलेज नर्सिंग वाले बच्चों को थोड़ी सी मैं मानता हूँ कम होती है, हालांकि उतनी कम नहीं है, आप सभी इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कुछ कंसेप्ट जो भूल जाते हो, और वो भूलने के कारण ही फ्लो रेट के क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था, फॉर्मूलों में पॉइंट्स रखने थे और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, ये कन्फ्यूजन अगर क्लियर हो गया हो आपका तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। GMCH में आया हुआ क्वेश्चन है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब 200 ml ऑफ हाफ नॉर्मल स्लाइन इन्फ्यूज ओवर 24 आवर, ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml। ठीक है, चीजें तो वही लिखी हुई है, फिर भी एक बार मेरे कहने से एक चीज चेक कर लेना, निकालना क्या है, निकालना अगर ड्रॉप पर मिनट है तो आप सही आए हो भाई। ठीक है, अगर निकालना ड्रॉप पर मिनट है तो सही फॉर्मूला लगेगा जो आपने याद किया है, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो एक चीज और लिख देता है एग्जामिनर, ड्रॉप पर मिनट की जगह ड्रॉप पर आवर लिख देता, हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कितनी ड्रॉप 1 घंटे में कितनी ड्रॉप, तो बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत कम वैल्यू आएगी, वो भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में मिनट के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं 1 घंटे तक कौन काउंट करेगा। ठीक है, तो ड्रॉप पर मिनट के अगर आपको आंसर निकालने हैं तो फिक्स ही फॉर्मूला है आपका, जितना भी फ्लूड है जितना भी ड्रॉप फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी फ्लूड है उसको मल्टीप्लाई कर दो ड्रॉप फैक्टर से और डिवाइड कर दो टाइम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3000 आएगा, इसको 24 24, ये देखो फिर आवर में टाइम है, आवर में, अब ये टाइम आवर में है, इसको कन्वर्ट कर दोगे आप मिनट में, 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो 30,000 को डिवाइड करना है 24 × 60 से, तो जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा, जैसे फ्लो रेट का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड इन टाइम इन मिनट निकल जाएगा, तो आपका पास 2000 ml फ्लूड था, 15 से मल्टीप्लाई करा 3000 आ गया, 30,000 आ गया, उसको डिवाइड कर दिया 1440 से, क्योंकि 24 × 60 इतना ही होता है, 24 × 60। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो 20.8, इस क्वेश्चन में होती है वो गड़बड़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जब आप इसको काटोगे, यही देखो ये आ गया वो क्वेश्चन जिसके लिए मैं अभी बात कर रहा था, ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और लास्ट में जब काट पीट के आंसर निकालोगे ना, तो वो डेसिम ड्रॉप जीरो रखने का अंतर होता है, तो जीरो आप डेसिमल लगाओगे पहले, जीरो नहीं रखोगे, और आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के देखना, आपके हिसाब से 2.8 आएगा। ठीक है, ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स, ठीक है, और 2.8 आएगा, और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 20.8, तो ये मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, आपके हिसाब से आंसर तो 3 है लेकिन एग्जामिनर का आंसर क्या है, एग्जामिनर का आंसर है 21। ठीक है, ये डाउट आपको ड्रॉप रिलेटेड क्वेश्चंस, ड्रॉप फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, तो आप ये मिस्टेक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, आप क्या करोगे जब भी आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा डिवाइड के बाद ये बड़ा, तो जो भी आप इसको इससे डिवाइड करने के बाद आंसर आए, इस आंसर को एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर लें, मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर यही आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 20 ड्रॉप पर मिनट है, पहले से ही टिक है। चलिए ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, ये है हमारे फ्लो रेट के क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस तो इसके बहुत सारे हैं, टेक्निक वही है, आंसर फिक्स ही होगा। एम्स 2019 में आया था, 150 ml फ्लूड देना है 16 मिनट के अंदर, देखो अब की बार इसने टाइम को मिनट में ही दिया है, और ड्रॉप फैक्टर है 15 GTT, GTT आता है और स्मॉल टी आता है। ठीक है, ये है
ड्रॉप फैक्टर का एब्रीविएशन आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर दे देता है कभी कभी। तो बताओ फ्लो रेट क्या होगा? तो फ्लो रेट के लिए अगर वो नहीं बोले कुछ भी तो ड्रॉप पर मिनट ही निकालनी होती है, और वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले फ्लूड को मल्टीप्लाई कर दो ड्रॉप फैक्टर से, मल्टीप्लाई किया ये 2250, 2250, और फिर मिनट, तो अब की बार टाइम तो मिनट में ही है, तो इसको 60 से डायरेक्ट डिवाइड करो 37.5। लेकिन इस क्वेश्चन, इस एग्जाम में ये ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि 37.5, इसमें ऑप्शन था 40। तो वही जैसे पहले क्वेश्चन आया था 20, 30, 40, 50, ऐसे ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और उसके आधार पे आप आराम से आंसर को निकाल सकते हो, 40 ऑप्शन हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज रिसीव 1000 ml ऑफ फ्लूड इन 6 आवर, ड्रॉप 15 ड्रॉप पर मिनट। तो आप आराम से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और टाइम मिनट में लेना है, ये आवर में मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 60 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके डाले हुए हैं, RUHS MSC एंट्रेंस एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसका भी एक क्वेश्चन है, उसमें 500 ml फ्लूड लिया था 6 आवर, और ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप पर मिनट। तो पहले 500 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, और फिर डिवाइड कर दो टाइम इन मिनट, 6 × 60, ठीक है, 360। तो ये डिवाइड करके जो भी आपका आंसर है बी आ जाएगा, 21। ऐसे ही इन क्वेश्चंस के आपको आंसर सभी के निकालने, इसकी PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे भी मैंने ये वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी थे, कुछ क्वेश्चंस 10, 12, 15 क्वेश्चन ले लिए, आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, आप इसका निकाल के देखो क्या आंसर होगा, ठीक है। 1500 ml फ्लूड आपको ड्रॉप फैक्टर 10 के आधार पे 16 मिनट के अंदर देना है, तो आप इसको निकाल लेना, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा आपको, है ना। हमारा काम था समझाने का, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इनको फटाफट लो, कॉपी में लिखो, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पॉज करो वीडियो को और करते जाओ, ठीक है। इसका आंसर होगा 250 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है, निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, निकाल के देखो, और जो भी आंसर है उसको टिक करो। राइट आंसर है 28 ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ml फ्लूड है, 5 आवर में देना है, ड्रॉप फैक्टर इज 20, कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो। इसका आंसर है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 125, और इसका आंसर है 78.125। ये डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आप इनको निकाल निकाल के कर लेना, आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उतारो, 11 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके देखो, 32 आंसर होगा। ये एनकलेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 ml, 80 mg में कंफ्यूज नहीं हो ना, 100 ml मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30, ठीक, आंसर आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों चीजें दी हुई हैं, बस निकालना है। राइट आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है 20, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, फ्लो रेट के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए, तो मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक कमेंट किया करो कि हमें ये क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया नहीं आया, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।